हेलो गाइस, कैसे हो आप। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऐसी प्रीपोजिशन के बारे में। अब तक हमने जितनी भी एक्टिव वॉइस से जब हम पैसिव वॉइस जब हमने चेंज किया, हमने मोस्टली यूज किया बाई प्रीपोजिशन। अब तक हमने बाई यूज किया था, लेकिन कुछ ऐसी वर्ब होती हैं, उन वर्ब यदि वे हमारी वे वर्ब आती हैं तो हमने बाई का यूज नहीं करना है। कुछ डिफरेंट वर्ब होती हैं, उन डिफरेंट वर्ब के साथ आपकी डिफरेंट टाइप्स की ही प्रीपोजिशन आएगी। वे कौन कौन सी है मैं उसके बारे में आपको बताता हूँ। अब तक तो हमने बाई यूज किया था। अब देखिए, मैरिड, मैरिड के साथ हमेशा विद आएगा। यदि किसी लड़के से शादी होती है तो आपको यूज करना है विद। यदि किसी लड़की की लड़के के साथ शादी होती है तो आपको जब एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाओगे तो आपका यूज होगा विद। मैरिड के लिए टू भी आता है। जब किसी गर्ल्स की शादी होती है तो उसके लिए आप टू यूज करोगे। प्लीज, प्लीज के साथ हमेशा विद आएगा। एक पर्सन यदि आदमी के लिए प्लीज आया हुआ है तो आपको यूज करना है विद। प्लीज के साथ एट भी आता है। जब किसी का बिहेवियर है तो आपको विद के स्थान पे आपको एट यूज करना है। देखिए, इन वर्ब के साथ कभी भी आपकी बाई प्रीपोजिशन नहीं आएगी। जिसके साथ जो लिखी हुई है वही आपकी, उसके साथ वही वर्ब आएंगी, वही प्रीपोजिशन इन वर्ब के साथ आएगी। नो 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 नीव नॉन के साथ हमेशा टू आता है। कभी भी आपका बाई नहीं आएगा, टू आएगा। सोक्ड, सरप्राइज्ड, एनॉयड, अलार्म्ड। सोक्ड, सरप्राइज्ड, एनॉयड, अलार्म, इनके साथ आपका एट प्रीपोजिशन आएगी, बाई नहीं आएगा। सेटिस्फाइड, लाइंड, सेटिस्फाइड, लाइंड के साथ आपका आपकी प्रीपोजिशन विद आएगी, आपका बाई नहीं आएगा। कंटेंट के साथ इन प्रीपोजिशन आएगी, बाई नहीं आएगा। आप याद रखना, इन वर्ब के साथ आपको बाई जो वर्ब प्रीपोजिशन उसको स्किप करना है, बाई यूज नहीं करनी है। इनके साथ यही आपको वर्ब यूज करनी। फिर देखिए, मैरिड के साथ विद, अगर बॉय की शादी होती है मैरिड, अगर लड़की की शादी होती है तो आपको टू यूज करना है। प्लीज के साथ विद आएगा, प्लीज के साथ एट भी आता है। अगर बिहेवियर है, नॉन के साथ टू प्रेपोजिशन आएगी। शॉक्ड, सरप्राइज, एनॉयड, अलार्म के साथ आपकी एट प्रीपोजिशन आएगी। सेटिस्फाइड, लाइंड के साथ आपकी विद प्रेपोजिशन आएगी और कंटेंट के साथ इन आएगी। देखिए एग्जाम्पल के दो, आई नो हिम, आई नो हिम। अब देखिए, पहले तो आपको याद रखना है कौन सा टेंस है, प्रेजेंट है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आते ही जब आप इसका पैसिव वाइस बनाओगे तो आपको याद रखना हमें इज एम आर का प्रयोग करना है। ही हिम इधर आके आपका ही हो जाएगा, ही इज। इसकी थर्ड फॉर्म नो नीव नॉन, ही इज नॉन। अब बाई मी, अब देखिए मैंने बाई यहां पे लगाया हुआ है। अगर ऐसी आपका आई नो हिम आता है, उसका ये ऑप्शन दिया हुआ है, ही इज नॉन बाई मी, ही इज नॉन, ही वॉज नॉन बाई मी, ही हैज बीन नॉन बाई मी, ही इज नॉन टू मी, अब आपका टू वाला ठीक होगा, क्योंकि नॉन के साथ आपका बाई नहीं आता। ये आपका रॉन्ग सेंटेंस है। यहाँ पे जो आपकी प्रीपोजिशन आएगी वो नॉन के लिए आपका टू आएगा, आपका बाई नहीं आएगा। यहाँ पे क्या आएगा, टू आएगा। नॉन के साथ आपका क्या आएगा, टू आएगा, ये याद रखना। एक और है एग्जाम्पल, देखिए, कंटेन दिस जग, कंटेंड हॉट वॉटर। अब देखिए, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट इधर लेके आइए, हॉट वॉटर। वर्ब कौन सी है, सेकंड है, तो आपको याद रखना वॉज वर्ब,
तो क्या जाएगा, हॉट वाटर वॉज, इसकी थर्ड फॉर्म बनाइए कंटेंड। अब देखिए यहां पे बाई नहीं आएगा, अब तक हम बाई यूज करते आए थे, कंटेंट के साथ आपकी प्रेपोजिशन इन आएगी, बाई नहीं आएगा, यहां पे इन यूज कीजिए, हॉट वाटर वॉज कंटेंड इन दिस जग। और एक और एग्जांपल देखिए, राम मैरिड टू सीता, राम मैरिड टू सीता, राम मैरिड टू सीता, तो क्या करोगे, इसको इधर लेके आइए, सीता अभी सेकंड फॉर्म है तो वोज, सीता वोज, इसकी थर्ड फॉर्म बनाइए मैरिड, सीता वोज मैरिड किसके साथ, विद राम। अब देखिए मैंने आपको बताया था बॉय के लिए आपका विद आएगा, अगर ये आता है आपका सीता मैरिड टू राम, अब इसका पैसिव वाइज करोगे तो क्या आएगा, राम वोज मैरिड, अब देखिए गर्ल के साथ करता है तो टू आएगा, यहां पे टू आ जाएगा, राम वोज मैरिड टू सीता। ये थी आज आपकी कुछ ऐसी प्रेपोजिशन जहां पे हम बाय यूज नहीं करते हैं, कुछ ऐसी वर्ब हैं इन वर्ब के साथ हम यूज करते हैं, कुछ दूसरी प्रेपोजिशन यूज करते हैं, बाय यूज नहीं करते हैं। हमेशा याद रखना ये हमारी कुछ वर्ब हैं, इनके बाद आपकी यही प्रेपोजिशन आएगी, आपका बाय नहीं आएगा। स्टूडेंट्स उम्मीद करते हैं आज का जो कंसेप्ट है वो आपको क्लियर हो गया होगा। हैव ए नाइस डे, थैंक यू वेरी मच।